गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू वो न्यू व्लॉग। सो गाइज, हमारा आज का व्लॉग सुबह 9:30 से स्टार्ट होता है। देन मैं तो कॉलेज को रेडी हो गया हूँ, और जैसे कि मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बता रहा था कि रवि की शर्ट फिटिंग के लिए दे रखी है, तो उसमें सुबह 8 बजे का टाइम देखा था टेलर ने। मैंने रवि से उसमें बोल दिया था कि भाई 8 बजे तक का तो खुलता नहीं है, नहीं मिलेगा। अभी 9:30 हो गया है और अभी तक का वो टेलर की दुकान खुली नहीं है। अब रवि की छूट रही है पहली क्लास, 10 से 11 हमारी जो यूएसबी की क्लास होती है वो छूट रही है, और 11 से 12 मोम की क्लास है। देन उसमें तक का तो वो खोल देगा दुकान, और अगर रवि आना चाहे तो उस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। अब कोई सजेशन दे रहा हूँ मैं कि भाई 11 से 12 वाली में आ जाना, 10 से 11 छूट गई तो कोई दिक्कत नहीं। यूएसबी से कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब है तो क्रेडिट सब्जेक्ट है बट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो अपना कोर ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना तो छोड़ सकते हैं। बाकी मैं तैयार हो गया हूँ और अब जूते उधर पहन के निकलता हूँ, फिर मिलता हूँ। आगे हमारे संजय भाई। संजय भाई कितने दिनों के बाद कॉलेज जा रहे हो आज? एक हफ्ते बाद। चलो बढ़िया, जाया करो जाया करो, कॉलेज जाया करो। सो गाइस, जैसा मैंने बोला था वैसे ही हो रहा है, रवि आ नहीं रहा है। और आई थिंक बोला था, देखता हूँ अगर 11 से 12 में भी आता हूँ तो, क्योंकि उसने जो टेलर है उसने काम नहीं कर रखा है, अभी उसका शुरुआत भी नहीं कर रखी है। देन अभी हुआ शायद आज उसकी छुट्टी हो जाएगी, मतलब उसको लेनी पड़ेगी मजबूरी में, जानबूझ के नहीं। और अभी जा रहा हूँ कॉलेज, लंच से पहले की तो क्लास है, आफ्टर लंच लैब। वैसे शेड्यूल में तो है बट हम अटेंड करते हैं नहीं करते हैं, या क्लास होती है नहीं होती है ये तो आगे जाके पता चलेगा। अभी सुबह 9:45 हो रहा टाइम, और 9:45 पे ऐसी तेज़ धूप आने लग गई। अब जैसे जैसे गर्मियों के दिन बढ़ेंगे धूप भी लगते रहेगी, और सबसे मेन प्रॉब्लम तो इस बात की है कि भाई आफ्टर लंच जब 2 बजे से क्लास होती है उसमें जाने में मौत आ जाती है। एक तो उसी में खाना खाए रहते हैं, जाने का मन नहीं होता, ऊपर से धूप इतनी तेज़ होती है भाई क्या बताएं। और ऊपर से ये वैली एरिया है पूरा, तो बिल्कुल एकदम धूप ऐसी लगती है जैसे चैटे मार रही हो, बिल्कुल चटा चट चट ऐसे लगती है धूप। बाकी ये मौसम कुछ इस तरीके का है, थोड़े बादल लगे रहते तो मज़ा आता बट क्या करें, धूप आ रही है गर्मियों के दिन है। तुम्हारी जुबान सच हो गई होगी जी। ये भाई साहब बादल का नाम लिया, भाई साहब बादल आ गए। लंच से पहले की सारी क्लासेस ओवर हो गई, आफ्टर लंच लैब 2 से 4, और 4 से 5 तो कुछ भी नहीं है, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ है उसमें क्या ही जाएंगे। पहले आप हॉस्टल जाते हैं, 3 बजे आएंगे, करते हैं लंच 3 बजे, और सर ने आज छोड़ा भी लेट है, 15 मिनट लेट छोड़ा है, पर कोई नहीं। उधर दिखाना, उधर सामान दिखा, उधर तो गाइस पहुंच गए हैं हॉस्टल, वो ये 1:30 बजे का हॉस्टल पहुंच रहे हैं, करते लंच फिर जाते हैं। रवि भाई सो गाइस, लंच में आज डुबके, किसके डुबके, भटके हैं ये, भटके डुबके भाई, भटके डुबके चावल और अचार है, खाते हैं इसको फिर जाना है लैब। और नमक डालो भाई, नमक डालो। लंच करके अब जाने लग गए लैब को, और मतलब कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, और मैं भी जा रहा हूँ आराम आराम से, जाते आराम आराम से, नहीं कॉल करा, नहीं बोला था 2:30 बजे तक आऊँगा, कोई नहीं पहुँचता हूँ आराम आराम से यार, क्योंकि सन्नी क्लास लेट छुड़ी, हॉस्टल पहुँचे, खाने में लेट हुआ, सब चीज़ लेट हुआ, अब जा रहे हैं धीरे धीरे। और फिर शाम को 4 से 5 डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़, वही जिसमें सीनियर सिखा रहे हैं कि सॉलिड वर्क्स वगैरह वो सीखते हैं, फिर आएंगे 5:30 बजे तक का। Gracias.
सो गाइस कॉलेज से आ गया, मैं सो गया था, देन अब निकल रहा हूँ घूमने के लिए। और वैसे शाम तो ही गई है अभी, और बादल हैं आसान, बस बारिश का मौसम हो रहा है। सो गाइस डिनर वगैरह हो गया, देन डिनर के बाद मैं ले गया था पाठक के रूम पे। सो ये चुपचाप पाठक का बैग टपा के ला गया। अब पाठक बेचारा सुबह को परेशान होगा, फिर रोएगा, ग्रुप में मैसेज डालेगा कि भाई कोई मेरा बैग लाया है तो भाई दे दो करके, फिर उसको दूंगा थोड़ा परेशान करके। तो बस आज का कोटा पूरा हो गया, देन करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और आपको मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, गुड नाइट, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड करवाना बोले। थैंक यू।